अभी आने वाला है, तो ये अभी उनका मतलब 3 साल हो गया अभी, और कितना साल जाएगा? सुधार के जो बच्चे हैं वो रोड पे यहाँ पे आके टूटे टूटे खेले और यहाँ पे आके रोड सड़कों पर उनके चेहरा देखने के लिए यहाँ पे आए। 2019 में भी पास किए, 2021 में भी पास किए, अभी आपको 2022 में जो 2-4 दिन में ही रिजल्ट आएगी, हो सकता है कि आज भी रिजल्ट आ जाए, कल भी रिजल्ट आ जाए। नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी आपको ज्वाइन के लिए भी आपको आंदोलन करना पड़ेगा सर, यहाँ ऐसा सिस्टम है सर। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीटी अभ्यर्थियों के बाद अब सीटेट के अभ्यर्थी गर्दनी बाग में आंदोलन करने लगे हैं। ये भी 2019 में ही एग्जाम दिए हैं थे और इनकी बहाली अभी तक नहीं हुई है। जैसे कि एसटीटी अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में आंदोलन करते हैं, वैसे ही सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं। आज पहला इनका दिन है। क्या मांग है? हम लोग की मांग है, 3 सालों से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है। हम लोग 2 साल से टीचर ट्रेनिंग करके और सीटेट पास करके बैठे हुए हैं और सरकार 6ठे चरण को अभी तक कंप्लीट नहीं किया। 3 सालों से 6ठे चरण भी चल ही रहा है। 6ठा चरण तो कंप्लीट हो गया ना? नहीं, अभी अभी उनके अनुसार भी चल ही रहा है और चल ही रहा है। हम लोग के अनुसार चल रहा है, उनके अनुसार चल रहा है। ठीक है, इधर आइए, इधर। जो शिक्षा मंत्री से हम लोग आग्रह करना चाहेंगे कि ये जो शिक्षा मंत्री जी हम लोग बार बार कहते हैं कि 6ठा चरण के समाप्ति के बाद 7वां चरण होगा, तो ऐसे में 7वां चरण तो अभी तक 6ठा चरण कंटिन्यू चल ही रहा है, तो 7वां चरण कब आएगा? उनसे वो जो कहते हैं शीघ्र हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, अभी आने वाला है, तो ये अभी उनका मतलब 3 साल हो गया अभी, और कितना साल जाएगा? शिक्षा 6ठे चरण के कुछ लोगों को तो नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। यही चीज़ है कि 6ठे चरण कुछ लोग नियुक्ति पत्र दे दिया गया, ठीक है, लेकिन अभी भी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। 14-15 मार्च या 16 मार्च को फिर से होने वाली काउंसिलिंग, तो जब नियुक्ति पत्र आप दे सकते हैं समय, अभी तो पूरा नहीं हुआ है, तो आप 7वें चरण की विज्ञापति क्यों नहीं जारी कर सकते हैं? ये तो आपको जारी करना होगा ना। और छात्र कब तक रोड पे इस तरह से घूमते रहे? आप लोग भी सड़क पर हैं, आए दिन एसटीटी अभ्यर्थी भी सड़कों पर रहते हैं, वो भी 2019 में ही एग्जाम दिए थे। देखिए, ये सरकार की गलत नीति के कारण जो है हम लोग यहाँ बिहार के बच्चे, जो कि बिहार के बच्चे वोट देते हैं उन्हें, और बिहार के ही बच्चे जो हैं वो उनको सरकार बनाते हैं और यहाँ के जॉब कौन लेके जाते हैं? यूपी, बंगाल और अदर डिस्ट्रिक्ट के लड़के लेके आते हैं। बाकी जो बिहार के जो बच्चे हैं वो रोड पर यहाँ पे आके टूटे टूटे खेले और यहाँ पे आके रोड सड़कों पर उनके चेहरा देखने के लिए यहाँ पे आए, और बाकी यहाँ जो जॉब है वो कहाँ जाए? तो इसीलिए शिक्षा मंत्री से मांग है हमारी कि वो जो है जल्द से जल्द, हम लोगों का ये आग्रह है उनसे कि 7वें चरण की जो विज्ञापति है वो मार्च में ही जारी करें, क्योंकि उन्होंने कहा था पेपर में, अभी भी कई बार है उनका सबूत दिया हुआ है कि वो मार्च के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है, अभी 6ठा चरण की प्रक्रिया भी खत्म नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्री का ये बयान था कि मार्च का महीना जैसे शुरू होगा 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो उन्होंने यही कहा था कि जैसे ही 6ठा चरण खत्म होगा 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, वो भी मार्च के प्रथम सप्ताह में। तो मार्च तो आ गया, ये प्रथम सप्ताह भी खत्म होने वाला है, तो विधानसभा सत्र चल रहा है, हो सकता है ये भी कारण। हाँ, विधानसभा सत्र भी है, तो विधानसभा सत्र में सौरभ संत जी भी आवाज उठाए हैं, लेकिन अभी तो उनका कोई जवाब नहीं आया है। शिक्षा पर इस बार बहुत अधिक बजट मिला है, बहुत अधिक पैसा खर्च होगा शिक्षा पर इस बार, क्या लगता है कि इस बार नौकरी हो जाएगी? वही, उसी उम्मीद से तो हम लोग आए हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री पे हम लोग का भरोसा है, वो हमेशा यही कहे हैं कि 7वां चरण हम लोग 6ठे चरण के बाद दे देंगे, तो हमें ये चीज़ की उम्मीद है कि वो दे देंगे, तो हम लोग इसीलिए यहाँ आए हैं और हम उम्मीद करते हैं शिक्षा मंत्री से कि हम लोगों को 7वां चरण की विज्ञापन जल्दी दे देंगे। इसके पहले कहीं मिलने गए हैं किसी से यहाँ बैठने से पहले? इससे पहले हमारे जो भी नेतागण हैं वो कई बार मिले हैं, 2019 से जैसे 6ठा चरण शुरू हुआ था तब से हम लोग उनसे इस 6ठे चरण में शामिल होने के लिए कई बार उन्हें हम लोग विज्ञापन भी दिए हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि इसको खत्म होने दो, जैसे खत्म होता है 6ठा चरण हम 7वां चरण कर देंगे, लेकिन 6ठा चरण खत्म करे तब ना 7वां चरण आए, वो खत्म ही नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, बार बार शिक्षक अभ्यर्थी ही क्यों बैठ रहे हैं सड़कों पर, कभी एसटीटी के, कभी टीईटी के, कभी सीटेट के, क्यों? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी को हमेशा दिलासा दिया जाता है कि हाँ बहुत जल्द ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन शिक्षा मंत्री जी बड़े आसान से बोलते हैं कि जल्द ही हम आपकी बहाली को लेकर के आपका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी से मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से जल्द 7वें चरण की बहाली को लेकर के डोमिसाइल नीति लागू करके सेंट्रलाइज करके हमारी विज्ञप्ति को मार्च के महीने में जारी किया जाए, मेरी मांग यही है। कितनी संख्या, कितनी जी संख्या, कितनी संख्या? लगभग 70,000।
70 से 90 हजार की भी संख्या है। सीटें कितनी? सीटें बहुत सारी है, लगभग 90 हजार के करीब है। इससे नहीं मतलब है, मतलब है कि जब आपने विज्ञापन का फॉर्म भरा होगा उस समय सीट तो बताया गया होगा ना कितना सीट है उसमें। उसमें इधर पूछे जैसे कि जब आपने फॉर्म भरा होगा 2019 में फॉर्म भरा था उस समय सीट बताया गया था कितना है? सर हम लोग यहाँ सीटें पास अभ्यर्थी हैं, 2019 में भी पास किए, 2021 में भी पास किए, अभी आपको 2022 में जो दो चार दिन में ही रिजल्ट आएगी, हो सकता है कि आज भी रिजल्ट आ जाए, कल भी रिजल्ट आए। पास होइएगा एक सीट के लिए? एक सीट के लिए एक अभ्यर्थी पास होते हैं, लेकिन सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जो होती है हर 6 महीना पे एग्जाम लेती है कि हम अपने यहाँ टीचर का क्राइटेरिया फुलफिल करके हमारे अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा गवर्नमेंट क्या किया कि 2019 में एक कट ऑफ डेट जारी किया जिसके कारण हम लोग 19 वाले अभ्यर्थी को बाहर कर दिया। 21 में भी पास हुए हम लोग, वो भी अभ्यर्थी बाहर है, वही अभ्यर्थी आपको यहाँ पे दिख रहा है सर जी। क्या लगता है कि हर छोटी छोटी मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी जिस तरीके से सड़कों पर बैठे हैं, क्या शिक्षा मंत्री उनकी बात को नहीं मान रहे हैं या फिर शिक्षक दोषी? नहीं, शिक्षक कहीं से दोषी नहीं है, शिक्षा मंत्री भी भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम और एजेंडा, अब शिक्षा विभाग का क्या एजेंडा है ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे शिक्षक अपने मांग पे सही है, शिक्षा विभाग भी अपनी बात कर रहा है, सरकार ऑलरेडी सपोर्ट में है, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन, 3 साल बहुत बड़ा समय होता है, एक बेरोजगार अभ्यर्थी कब तक इंतजार करेगा ये मुद्दे की बात है। 19, 20, 21 आज 3 साल से सर्टिफिकेट लेके हम लोगों ने कई आंदोलन किया, भिक्षाटन किया, अब हम सरकार से ये विनती कर रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से, ये मेरा रिक्वेस्ट है, हमारे सरकार हमारी पक्ष में है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अब एक लिखित विज्ञप्ति दे कि हमारा आवेदन कब तक लिया जाएगा। जब विधायक जी गए होंगे वोट मांगने, एनडीए के जो विधायक होंगे 19 लाख रोजगार का वादा किए थे, मिला कि नहीं? देखिए सर, अब मैं इसको पॉलिटिकल व्यू नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ 19 लाख रोजगार की बात। नहीं, अब तक 19 लाख रोजगार नहीं मिला, ये सब जुमलेबाजी है, अभी तक मैं आश्वासन पे ही काम कर रहा था, 3 साल से सरकार के आश्वासन को सुनते 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 मैं परेशान हो गया, उसके बाद इन लोगों का आवाज लेके मैं आज गर्दनी बाग में आए जी। क्या लगता है कि यहाँ बैठने से मांग मान ली जाएगी? जी सर, हम लोगों की मांग जरूर मानी जाएगी सर, ठीक है ना, यहाँ बिहार का एक ये हो गया, सिस्टम हो गया, जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे ठीक है ना, कोई भी वैकेंसी आपके सामने नहीं आएगी सर, इसलिए हम अपनी वैकेंसी के लिए, अपने नोटिफिकेशन के लिए आज हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। मतलब यहाँ आंदोलन करने से लगता है कि सर्टिफिकेट मिल जाए? जी सर, ये सरकार सोई हुई सर, ठीक है ना, आज कौन सा ऐसा वैकेंसी नहीं जिसमें आंदोलन किए बिना आपको नोटिफिकेशन निकल सकता है सर, कोई भी ऐसा मतलब आपका ये नहीं वैकेंसी नहीं है जिसमें बिना आंदोलन के आपका नोटिफिकेशन निकलेगा, अगर नोटिफिकेशन निकल गया सर उसके बाद भी लंबी प्रोसेस है, ठीक है ना सर, उसके बाद भी लंबी प्रोसेस है, ठीक है ना, उसको नोटिफिकेशन निकलने के बाद बहुत सारा प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, उसके लिए भी नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी आपको ज्वाइनिंग के लिए भी आपको आंदोलन करना पड़ेगा सर, यहाँ ऐसा सिस्टम है सर। चलिए तो देखिए, एसटीटी के बाद अब सीटेट के अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन करने लगे हैं और लगातार ये आंदोलन करते हैं, मांग बस यही है कि नोटिफिकेशन का इनका भी जो है वो दे दिया जाए जल्द से जल्द, और जैसे लगातार एसटीटी के अभ्यर्थी आंदोलन करते रहते हैं अपनी मांग को लेकर कि उनकी मांग जल्दी से मान ली जाए, अब गर्दनी बाग में धरना स्थल पर आपको सीटेट के अभ्यर्थी दिखेंगे और ये लगातार 3 दिन आंदोलन करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनके 3 दिन आंदोलन करने से क्या इनकी मांग मान ली जाती है या फिर से इनको आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।